तो नमस्कार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा एमओ यानी कि मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई और इसकी टोटल 800 पोस्टों पर है जो वैकेंसी निकली गई है। 800 पोस्टों के लिए वैकेंसी के फॉर्म किस तरह फिलअप करने हैं उसकी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। उससे पहले कुछ इसके दिशा निर्देश भी समझेंगे कि ये एग्जाम है वो किस तरह होगा, क्या इस भर्ती का प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों मेरे साथ में बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें। सर्वप्रथम दोस्तों आपको इस फॉर्म के लिए जो मेडिकल ऑफिसर का फॉर्म निकला है इसके लिए आपको जो RUSSRaj.org की साइट है, ये स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर की होम साइट है, इस पे आना है। यहाँ पर आने के बाद में स्क्रॉल करके नीचे जाना है। जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक न्यू टैब नजर आ जाएगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर का, मेडिकल ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे ये अपने को नई पेज पर लेकर जाएगा और यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट के टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में सारी जानकारी अपने को यहाँ पर मिल जाएगी। इसकी आपको यहाँ पर डेस्कटॉप मोड पर आप कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर जो भी जनरल इंट्रेक्शन दिए हुए हैं वो सारे आप यहाँ पर रीड कर दें एक बार, उसके बाद में ही फॉर्म फिलअप करें। और यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म को 3 स्टेज में कंप्लीट करना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट जो भी है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पर्सनल डिटेल वगैरह है जो आपकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल है और अन्य जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सारी अपलोड करनी है और लास्ट में आपको फीस डिडक्ट करवानी होगी। इस तरह आपका 3 स्टेज में फॉर्म है जो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर इस भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बुकलेट है और फॉर्म किस तरह फिलअप करना, यहाँ पर इंट्रेक्शन भी दिए हुए हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हैं और अन्य जानकारी भी यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद में यहाँ पर सर्वप्रथम अपने को रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन क्लिक करने का भी टेप दिया हुआ है और अपना फॉर्म है जो 17 अक्टूबर से ओपन हो चुका है, शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है जो 6 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। यहाँ तक आपको फॉर्म कम्प्लीट फिलअप करना है और इससे संबंधित जानकारी आपको पाने के लिए अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं, अगर आपके कोई फॉर्म संबंधी अन्य जानकारी आप पाना चाहते हैं तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ, मोबाइल नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर मेल आईडी भी दी हुई है, यहाँ पर संपर्क आप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इसके बारे में भर्ती के बारे में इंट्रेक्शन समझ लेते हैं कि ये भर्ती है जो टोटल 840 पोस्टों पर निकल रही है रिक्रूटमेंट, जो कि मेडिकल ऑफिसर के रूप में है। और इस भर्ती की जो योग्यता क्या है, किस तरह फॉर्म फिलअप करना है उसका भी प्रोसेस इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो होम साइट दी हुई है यहाँ पर जाकर आपको फॉर्म फिलअप करना हो। यहाँ पर इस भर्ती का जो फॉर्म है उसकी फीस कितनी लगने वाली वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुल 5000 रुपये है जो इसकी फीस है। उसके बाद में जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे SC की कैटेगरी, ST की कैटेगरी है जो राजस्थान स्टेट के हैं उनके लिए 2500 रुपये लगेंगे। उसके बाद में प्लस इनका जो भी चार्ज लगता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पेमेंट पिन का जो भी है वो लगेगा आपके, यानी कि 5000 रुपये जनरल OBC वर्ग के लिए हैं और अन्य आउट ऑफ स्टेट हैं तो उनके लिए भी 5000 रुपये है जो इसका फीस रहने वाला है। यहाँ पर अपन योग्यता की बात करें तो ये मेडिकल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है, भर्ती है, इसके लिए कम से कम आपको MBBS या इसके समकक्ष है जो आपके पास में योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं MSc है जिसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए RMC का, और RMC का रजिस्ट्रेशन है वो भी 30 नवंबर से पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिक्वायरमेंट है। MBBS इसके समकक्ष जो भी इसका लेवल है वो आपको होनी चाहिए उसकी योग्यता, और उसके बाद में RMC का रजिस्ट्रेशन परमानेंट आपके पास में होना चाहिए और वो भी यहाँ पर देख सकते हैं बिफोर 30 नवंबर 2022 का दिया हुआ है। उसके बाद में हिंदी लैंग्वेज का आपको जानकारी होनी चाहिए, देवनागरी लिपि की जानकारी होनी चाहिए, लिखनी और राइटिंग एंड स्पीकिंग सारी ऐसी जानी चाहिए। उसके बाद में एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका 1 जनवरी 2023 तक मिनिमम 22 वर्ष और मैक्सिमम 45 वर्ष होना जरूरी है, और अन्य जो रिजर्व कैटेगरी है उनको इसमें छूट भी दी गई है जो कि राजस्थान गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी छूट आती है। यहाँ पर इस भर्ती के अंदर पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट है जो पेल ग्रेड शब्दा पर रखा जाएगा, यानी L शब्दा पर जो आपका पेमेंट रखा जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं 5500 पे ग्रेड का पेमेंट है। इसके लिए 39300 रुपये है जो परीक्षा काल में दिए जाएंगे। उसके बाद में आपको भत्ता है जो 17400 रुपये का भत्ता दिया जाएगा और कुल कि आपके 56700 रुपये जो कि परीक्षा काल में दे होंगे और आपके 1 वर्ष का है जो परीक्षा काल रहने वाला है, और गवर्नमेंट रूल्स राजस्थान गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी जो रिजर्वेशन आरक्षण संबंधी नियम है जो इसमें लागू रहेंगे। अब अपन फॉर्म भरने का प्रोसेस समझेंगे तो आपको फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम में जो जनरल इंट्रेक्शन है वो सारे विजिट कर लेने हैं। उसके बाद में यहाँ पर सर्वप्रथम अपने को रजिस्ट्रेशन करना होगा, और यहाँ पर देख पा रहे हैं अपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है जो कंप्लीट प्रोसेस हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सर्वप्रथम आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम RUSS इस पर क्लिक, जैसे कि अपन यहाँ पर अपने को रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपने को ID पासवर्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नेम जो आपका नाम है वो डालना है, उसके बाद मिडिल नेम और जो सरनेम वगैरह कुछ है तो वो यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ फादर नेम, मदर नेम दर्ज करना है, आपका मोबाइल नंबर दर्ज करना है, फिर मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, ईमेल आईडी कंफर्म करनी है, और यहाँ पर एक ध्यान रखना है, यहाँ पर नोट देव आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो करंट रूप में एक्टिव मोड में होने चाहिए। यहाँ पर सारी जानकारी आपको मोबाइल के मैसेज के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से मिल जाएगी।
उसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आर यू ए रजिस्टर विद आरएमसी के रजिस्ट्रेशन है, तो ये सी एन ओ करना है और रजिस्ट्रेशन टाइप किस टाइप का रजिस्ट्रेशन है, और यहाँ पर आरएमसी रजिस्ट्रेशन नंबर एमबीबीएस के यहाँ पर दर्ज करने हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कब का है वो और वैलिड कब तक है वो दर्ज करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपने अगर पीजी कंप्लीट किया है तो वो पीजी का डिटेल का यहाँ पर दर्ज करना है, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन आरएमसी के अंतर्गत फॉर एमडी एमएससी आनी है तो वो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन मिलेगा, उसको डिक्लेरेशन को यहाँ पर रीड कर लेना, यहाँ से आपको आई एग्री करना है, फिर आपको यहाँ पर कैप्चर डाल के सबमिट कर लेना है। जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पर ये पहला प्रोसेस है अपना रजिस्ट्रेशन का, वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड भी मिल जाएंगे, जो जानकारी आपने फिलअप की थी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद में ये कंप्लीट कर लेना, फिर आपको अपने को लॉगिन कर लेना, आईडी पासवर्ड जो भी बने थे और पासवर्ड कैप्चर डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने पर यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको सारी जानकारी फिलअप करनी है, उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ जिन डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। उससे पहले यहाँ पर पर्सनल डिटेल है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, एम्प्लॉय डिटेल है, अन्य इन्फॉर्मेशन जो भी है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आपको पासपोर्ट फोटो दर्ज करना है, फिर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट थंब अपलोड करना है और राइट थंब अपलोड करना है। उसके बाद में आपके आरएमसी का जो सर्टिफिकेट है वो दर्ज करना है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट है कैटेगरी का वो दर्ज करना है। उसके बाद में अगर पीएससी स्टूडेंट है तो वो भी अपना दर्ज कर सकता है, यानी कि कोई डिसेबिलिटी की पर्सन है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो दर्ज करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट है वो यहाँ पर पेमेंट मोड दे सकते हैं, पेमेंट आपको यहाँ पर डिक्लेयर कर लेना है और डिक्लेरेशन पे टिक करना है और यहाँ पर कैप्चर डालना है और फिर आपको सबमिट कर लेना है, फॉर्म को प्रीव्यू कर लेना है। सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद में आप फॉर्म सबमिट कर दें और अपनी फीसें जो डिडक्ट करवा दें। जैसे यहाँ पर पर्सनल डिटेल आप दे सकते हैं, पर्सनल डिटेल पहले आपने जो रजिस्ट्रेशन डाल दी वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में अदर कोई डिटेल तो वो भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। सारी डिटेल कंप्लीट रूप से आपको दर्ज करनी है, इसमें ध्यान रखना है किसी भी तरह का कोई भी है जो आपको इनकरेक्ट फॉर्म नहीं करना है और फॉर्म को कंप्लीट रूप से फिलअप करना है। और आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म है जो आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही फिलअप किया जाए। और आपका एग्जाम फॉर्म है फिलअप करने के बाद में यहाँ पर कुछ और जानकारी अपन समझ लेते हैं। जैसे आपका इसका एग्जाम होगा एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पर दे सकते हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है वो सीबीएसई मोड पर यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मोड पे होगा। आपको 100 है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 2 घंटे में जो कंप्लीट करना होगा, और आपको 100 नंबर का ही पेपर मिलेगा। आपको यहाँ ध्यान रखना है आपको किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग है जो इसमें नहीं, और आपका एग्जाम है जो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है। ऐसे भर्ती संबंधी न्यूज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।